नमस्कार भाई सारे ने, वेलकम बैक टू द व्लॉग। तो आज का व्लॉग अपना भाई बर्थडे, तो सुबह से भाई उठा नहीं मैं, अपना काम कर नहीं पा रहा हूँ और टाइम हो गया 10:30। ठीक है, तो 8 बजे उठा था प्रॉपर। उसके बाद से भाई कभी किसका फोन आ रहा है, कभी किसका फोन आ रहा है, पूरा दिन से अब मेरे को लग रहा है फोन ही अटेंड करने पड़ेंगे सारा दिन। तो आज बर्थडे के दिन जो सरप्राइज है, सरप्राइज थोड़ा सा डिले हो गया, तो खुद को ही दे रहा हूँ भाई सरप्राइज। क्या है, खुद को ही दे रहा हूँ। ठीक है, जो गिफ्ट है मेरा तो वो 29 के करीब या 2 तारीख को आएगा, है ना। तो वो पहले ही बता दी डेट आपको कि 29 या 2 तारीख को आने वाला है। तो अब सारे जने तैयार रहना कि क्या सरप्राइज है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि यहाँ एक तो 1000 सब्सक्राइबर पे चीज आने वाली है, बहुत बड़ी है ना। तो दूसरा भाई साहब एक नए प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं, उसकी तैयारी वगैरह शुरू कर दी, दिमाग में प्लान वगैरह सारे सेट कर लिए हैं, क्या चीज कैसे करनी है। और ये प्रोजेक्ट में आप सभी ने बहुत प्यार देना है कि आगे से आगे जितना भी होगा ना वो शेयर करने जरूर करनी है। अब बस नहाना धोना करेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं। और रात को सारी पार्टी का अरेंजमेंट करा हुआ, और जयपुर वाले मेरे भाई जितने भी हैं, जिस टाइम में आऊँगा यार 5 तारीख को आऊँगा शायद मैं भी, दिसंबर की, उस टाइम पार्टी करेंगे भाई जी। तो मैं दिखा दूँगा आपको जो मम्मी पापा ने मेरे को कपड़े दिलाए हैं भाई साहब। ये मेरा ट्रैक सूट है, ये लोअर, और ये मेरा ऊपर हुड। और जो आज वेयर करने वाले हैं, चेक करो ये कितनी मस्त लग रही है, कमेंट करके बताना मस्त लग रही है नहीं लग रही। और बाकी वेयर करूंगा ये तो नाइट के टाइम करूंगा। भाई मैं जाने लगा था शो से, एकदम से मेरी निगाह पड़ी मोको भाई ये उतार के दिखाओ यार, है ना। उसके बाद मेरे को बहुत मस्त लगी, और वेयर करके दिखाऊंगा रात को, फिर आप मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में कैसा लग रहा है जी। तो उन्होंने नहा धो के प्रॉपर रेडी हो चुके हैं, और एक बारी देख लो आउटफिट, फिर मेरे को बताना कैसी लग रही। अरे ये अपनी आज की आउटफिट, तो अब है क्या सीन कि जैसे ये मिरर है ना, एक छोटा सा लग रहा है ना, छोटा सा, ये मैंने एक मिरर लगवाना है इस साइड में दीवार में ऊपर के फ्लोर में। तो भाई बड़ा लगवाऊंगा जिसमें पूरा आपको अच्छी तरह से दिख जाऊं मैं। कुछ ऐसी चीजें करवाई है भाई सेकंड फ्लोर पे कि यहाँ पे सारे जने ना देख रहे, मोहल्ले में बोल रहे कि हाँ यार करवाइए, ये मस्त लग रही है, ये चीज मस्त लग। अभी एक बार जैसे पूरा कंप्लीट हो जाएगा फ्लोर, फिर उसके बाद मैं सभी को बुलाऊंगा घर पे। जैसे मम्मा ने सोचा हुआ है, प्लान किया हुआ है कि एक छोटा सा कीर्तन करेंगे, तो देखते हैं। अब जैसे भाई मैं तो इतना अक चुका हूँ, अक चुका जिसको बोलते पूरा। अब मैंने तो दूसरा जब मकान की बात है, मैंने भैया को बोल दिया, भैया आपको कॉन्ट्रैक्ट दे दूंगा आप रेडी कर देना। रोकी भी वो बोल रहे कि इसलिए मैं बोलता हूँ कि मकान बोलना आसान है कि बना लेंगे, ये दिक्कत होती है। कहते मैं बना, कोई नहीं, 6 महीने साल का होगा, महीने का टाइम लगेगा, मैं जल्दी करवा दूंगा। तो देखो ये तो 2-3 महीने की बात है, और अपने चीन भैया की शादी आ रही, फिर उसके लिए उससे पहले पहले अपने को प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। ये सड़ी सिस्टम जो भी होता पूरा है वो, हाँ पूरा दिखाएंगे, जुगाड़ पूरा लेके रखे है नाल ही, है ना। तगड़ा भी आना, थोड़ा भी आना, लाइट, फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग, पूरा ट्रेंड हो गया किद्दा बनाना की नहीं। अनु मंत्र पढ़ने यार मंत्र तो सानू पढ़ने पैंदे भरा, आई पुटास बड़ी तेज आ, बद बजूगा फैली एदा ही। हां ला बजा एक मिनट, जो इसका धमाका है ना भाई, हेलो पूरा एक कान सुन कर देता है, इधर से बजाता है पूरा सुन, आवाज ही नहीं आती, फिर सुन आवाज आती है 2-3 सेकंड के लिए। अब पापा गिटार सू कर देना दिवाली पे इतने पटाखे फोड़े, उससे अच्छा था मेरे को यही लग रहा है यार, यही ले लेते अगली बार, इसको यही बोलेंगे यही लेके आ। हाँ जी, तो अब बस पटास भाई तगड़े वाली, कान मेरा एक लास्ट वाला ना जो बहुत स्ट्रांग था, मेरा ये भी और ये भी दोनों कान सुन कर दिए, और अब बस तैयार होएंगे, फिर तैयार होते ही अपने सेलिब्रेशन के लिए, बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए निकल जाएंगे। और सुबह से भाई अपना काम नहीं कर पा रहा था, 1 बजे जाके मैंने काम किया, 8 बजे का उठा, वो कभी किसका फोन आ रहा है, कभी किसका फोन आ रहा है, पूरा दिन कभी फोन कॉल मैसेजेस सारा है, बस इधर ही बिजी था। हाँ जी, तो प्रॉपर रेडी हो चुके, अब निकलने लगे वहाँ पे
पहले प्लानिंग तो क्या थी कि रॉकी भैया की फैमिली आएगी और अभी की फैमिली, लेकिन हुआ क्या कि रॉकी भैया के वहाँ पे थोड़ा सा कोई ससुराल में कोई दिक्कत हो गई, तो अब वह वहीं पे तो आ नहीं पाएंगे, तो इसलिए अब मेरी और अभी की फैमिली है बस वहीं पे निकलते। मैंने 8 बजे का टाइम दिया हुआ था अभी को और कॉल करते हैं कहाँ पे रह गया वो। अब एक बार आपको मम्मी के लुक चेक करा दो। हाँ सही लग रहा जी। तो बस संत पहुंच चुके हैं, बस विद इन 10 to 15 मिनट में अपना भाई जी पहुंच जाएगा। अभी आने वाले हमारे भी भाई साहब दिख गए हमें जी। अभी नहीं है भाई, अभी के जैसे लग रहे हैं सामने दिख गए हम टीवी आए। ये देखो MI टीवी के जरिए रेस्टोरेंट में यार इधर अपनी वीडियो चला ली से जी। तो ये रहा अपना आज का बर्थडे केक, पहले एक बार सेट कर ले पूरा। ये तो उस दिन ही पता लगेगा, ये अभी नहीं 29 को सभी। अरे मैंने दीदी को नहीं बताया, ना ना दीदी को ही नहीं पता। वाह जी मुंडा पूरी गड्डी चलानी सीख गया। नहीं मेरे पीछे से भाई गाड़ी चलानी सीख ली उन्होंने। सही है पूरा है, वैसे तो सही चला रहा अभी तक, झटका झुटका कोई नहीं है। इधर ही घुमा ले। हाँ नहीं नहीं उधर से आगे ले लेना, आगे से घुमा। ओके, मस्त ला रहा है, झटका नहीं फील हो रहा है। यही चीज देख रहे होते हैं हम भी सबके, जिसका झटका फील होता है ना वो थोड़ा सा डर लगता है सभी को। और कुछ नया जो बता रहे इसको तो पता लग गया, घर वालों ने प्रेशर डाला तो बताया, नहीं तो इसको बताना नहीं था। अब नया कुछ आने वाला है 29 या 2 को। हाँ कंफर्म है इस बार तो। हाँ जी तो अपने फाइनली घर पे आ चुके हैं और भाई रस्ते में ही थे तो फोन आ रहा है महक हमारे, बोल रही भुवन आपका वेट कर रहे हैं। तो भाई सुबह आया मेरे को विश करने के लिए, कैसे एक टोर में एक हाथ में रोटी और दूसरे हाथ से ऐसे ही साथ सही कर रहा हैप्पी बर्थडे हाथ में ला रहा है। तो टोर तो तेरी है भाई साहब। तो फिर अब मेरे को फोन आया कहते कि हाँ भाई आपके लिए स्पेशली आज के लिए चॉकलेट लेके आया। मैं कहा वाह यार, मैं कहा मेरी कभी गर्लफ्रेंड वगैरह होती तो उसने नहीं मेरे को कभी ऐसे कोई पूछा। मैं कहा वाह सही है यार। तो अब उसको फोन किया घर पे पूछते, कहते जी आप लेट हो गए, वो तो सो रहे हैं बच्चा है ना अभी जल्दी सो जाते हैं, 11 बज गए 11:30 होने वाले, तो इसलिए अब वो सो गया, सुबह आएगा, मैं सुबह आपसे मिलवाता हूँ आपको। और आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा और आपने जाके लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन को ऑन करना लेटेस्ट डेट के लिए। राम राम, गुड बाय।